हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान से। स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर, प्रमुख राज व्यवस्थाएँ। और इसमें आज जो मेरा लेक्चर है वो है जो अभिसमय और परम्पराएँ हैं उसका सेकेंड भाग। स्टूडेंट्स, पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि अभिसमय जो है वो ब्रिटेन के संविधान में पूरी शक्ति, जिसको हम कहें कि कानून की शक्ति के ना होते हुए भी पूरी तरह से कानून है। अभिसमयों का अर्थ, परिभाषा, अभिसमयों का वर्गीकरण मैं आपको पढ़ा रही थी। ये अर्थ और परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दी थी और मैंने आपको राजा और राजपथ से संबंधित अभिसमय पढ़ाए थे। आज स्टूडेंट, मैं आपको बाकी के जो अभिसमय उनका परिचय मैं आपको दूंगी। दूसरा हम लेते हैं, पहले मैं राजा राजपथ के थे, आज मैं ले रही हूँ मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। स्टूडेंट, कॉमन सभा में बहुमत दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त होना, ये भी एक वहाँ पर अभिसमय। जो इससे पहले अभिसमय उसमें मैंने बताया आपको कि जो सम्राट है वो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और इसी प्रकार से कॉमन सभा में जो बहुमत दल होता है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण प्राप्त होता है, तो वह मंत्रिमंडल बनाता है। दूसरा, समस्त मंत्री और अनिवार्य, जो समस्त मंत्री हैं वो अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होते हैं, और जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कॉमन सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब है कि यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी जो बात है इसमें वो है कि किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यदि पराजित हो जाएं तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, और राजा को कॉमन सभा को विघटित करने का परामर्श जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल घरेलू और वैदेशिक मामले में अपनी नीतियों का समर्थन संसद से करवाता है, यानी मंत्रिमंडल स्वयं अपने सारे निर्णय नहीं कर सकता, वो अपने निर्णय जो है वो संसद के बहुमत से वो सारे निर्णय होने चाहिए। स्टूडेंट, तीसरे प्रकार के जो अभिसमय वो है संसद से संबंधित अभिसमय। जो संसद, जिसको कि वहाँ पर पार्लियामेंट बोलते हैं भारत में, उसे संसद बोलते हैं, तो संसद से अभिसमय यानी सबसे पहले है कि संसद के दोनों सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, ये अभिसमयों पर आधारित है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि 1295 में जो एडवर्ड प्रथम थे उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने मॉडल पार्लियामेंट बनाई, और मॉडल पार्लियामेंट में चार जो वर्ग थे उसके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनमें जो सामान्य व्यक्ति थे वो तो जो बैरन के लड़जी थे, और नाइट नागरिक जन थे। तो उसमें जो सामान्य वर्ग के दो वर्ग के प्रतिनिधि थे उनसे तो कॉमन सभा बन गई, और जो विशिष्ट वर्ग थे उनसे जो लॉर्ड सभा बन गई। और ये तो उस समय मॉडल पार्लियामेंट थी, धीरे धीरे करके यही वहाँ पर एक परंपरा प्रचलित हो गई कि वहाँ पर दो सदन जो है वो चले आ रहे हैं, और उसके आधार पर विश्व में भी दो सदन इसी प्रकार से बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, जो बिल ऑफ राइट्स, पिटीशन ऑफ राइट्स, इस तरह के वहाँ पर अधिकार पत्र आए, और इसके अलावा वहाँ पर एक परंपरा पड़ गई कि जो संसद के अभिषेक में वो वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए जाने चाहिए। इसी प्रकार से धन विधेयक और विशेषकर जो बजट है वह कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी वहाँ पर एक परंपरा पड़ गई, क्योंकि जो कॉमन सभा है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, और जनता को ही अधिकार है कि वह व्यक्तियों के जो पैसे का निर्णय है वो करे। तो जनता के प्रतिनिधि इसका निर्णय करते हैं कि जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया जाए, और यदि वो खर्च किया गया है तो वो कैसे खर्च किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं, ये भी अभिसमय निर्धारित करता है। वहाँ पर अभिसमय के द्वारा ही ये परंपरा वहाँ पर पड़ गई कि एक वाचन में पहले पढ़ा जाता है, दूसरे वाचन में डिस्कशन होता है, और तीसरे वाचन में समितियों के आने के बाद उसका पूरा निर्णय होता है। इसके अलावा कॉमन सभा का अध्यक्ष जो है वह निर्विरोध एवं बार बार उसका मतलब चुनाव हो सकता है, तो ये भी एक परंपरा वहाँ पड़ गई कि कॉमन सभा का अध्यक्ष जो है वो निर्दलीय होगा, और जब वो निर्दलीय निर्वाचित होगा तो वो निश्चित रूप से हर चुनाव में जब तक वो रहना चाहे तब तक वह बार बार निर्वाचित होता है, तो ये भी वहाँ पर एक परंपरा पड़ गई है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो अध्यक्ष है, चूँकि मैंने अभी बताया कि वह निर्दलीय होता है, तो वो राजनीति से अलग होता है, बाकी राजनीति में भाग नहीं लेता, यानी अपने दल से कोई संबंध नहीं रखता है। इसी प्रकार से जो सरकारी पक्ष का भाषण के बाद में विरोधी पक्ष का भी भाषण का अवसर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर जो विरोधी पक्ष है उसको भी अपने मत रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है।
इसी प्रकार स्टूडेंट जो चौथे प्रकार के अभी समय है वो है अधिराज्यों से संबंधित, जो इसके उपनिवेश थे पहले उनसे संबंधित अभी समय। तो बहुत सारे उपनिवेश इसमें थे पहले, उनके लिए है कि प्रत्येक अधिराज्य नाममात्र के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति भक्ति रखता है। वैसे वो स्वतंत्र है लेकिन वो सम्राट के प्रजा के रूप में वो उसके प्रति भक्ति रखेगा, बाकी और कोई उस पर अधिकार नहीं होगा, यद्यपि वह आंतरिक और वैदेशिक मामलों में स्वतंत्र स्थिति रखेगा। इसी प्रकार से ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसी कानून के लिए अधिराज्यों की संसदों में स्वीकृति की परंपरा भी परंपरा पर आधारित है कि ब्रिटिश सम्राट उत्तराधिकार में जो परिवर्तन होगा तो किसी कानून के लिए अधिराज्यों की संसदों में भी स्वीकृति ली जाएगी। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में जो ये परंपराएं बनी हुई हैं, अभी समय बने हुए हैं, इनका क्या महत्व है, क्यों ये परंपराएं अब तक समाप्त नहीं हुई हैं, इतने साल हो गए अभी भी वहाँ पर, चूँकि पूरी तरह लोकतांत्रिक पूरी कहें हम कि संसार में लोकतांत्रिक में हो गया है पूरा, इसके बाद भी ब्रिटेन का संविधान अभी भी बिना किसी लिखित विवरण के वहाँ चला आ रहा है, अभी समय के आधार पर चला आ रहा है, तो क्या महत्व है उनका वो हम पढ़ते हैं। तो अभी समय ब्रिटिश संविधान का जो है एक अभी क्या है कि अनिवार्य अंग है, अभिन्न अंग है, और उसके बिना जो है शासन व्यवहारिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। अभी समय संविधान की आत्मा है और अभी समय ही मुख्य रूप से वहाँ पर जो है संविधान को कार्यरूप प्रदान करते हैं। तो इसको हम इस रूप से विभाजित कर सकते हैं कि संविधान के विकास में अभी समय बहुत सहायक है, संविधान का विकास इन अभी समयों के आधार पर ही हुआ है, वहाँ पर चूँकि लिखित संविधान नहीं है तो संविधान अभी समय ही वहाँ पर संविधान को विकसित करने में सहायक है, और राजतंत्रीकरण से जो लोकतंत्रीकरण हुआ है वो भी अभी समयों के द्वारा ही हुआ है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था को श्रेष्ठता प्रदान करना ये भी अभी समय के द्वारा ही संभव हुआ है, जैसे कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं तो उससे कानून निर्माण में कोई जल्दबाजी नहीं रहती, विरोधी दल भी अपने जो है अपने विचार व्यक्त कर सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी परंपरा है वहाँ पर, और जिसके कारण शासक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता और विरोधी दल पूरे रचनात्मक कार्यों में उसकी जो है उसका साथ देता है। इसी प्रकार से संविधान को कार्यरूप प्रदान करना ये भी जो है अभी समयों के कारण ही संभव हो सका है, क्योंकि अभी समय ही जो है उनके कारण ही राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है, अभी समय के कारण ही राजनीतिक संप्रभु कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है, अन्यथा राजा और प्रधानमंत्री में आपस में जो है तारतम्य नहीं रहता, गतिरोध बना रहता, तो आपस में उनमें संबंध अच्छे रहते हैं, कॉमन सभा और मंत्रिमंडल में भी सहयोग बना रहता है, और आपस में सभी सत्ताएं जो है मंत्रिमंडल संसद शासन सब अपनी अपनी सीमाओं में अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार से जो चौथे प्रकार का था ना अभी समय जो उपनिवेश संबंधी, तो उपनिवेश इसकी वजह से ही वहाँ पर ये एकता बनी हुई है उपनिवेशों की, तो राष्ट्रमंडल और जो वहाँ का जनतंत्र है उसमें आपस में सामंजस्य बनाए रखने का काम भी अभी समय करते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई भी देश नहीं चाहेगा, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर किसी प्रकार की सत्ता जो है कायम हो, तो संप्रभुता को सफल बनाना अभी समय ही जो है राष्ट्रमंडल को लचीलापन प्रदान करते हैं, और परिवर्तित स्थितियों के अनुसार उन्होंने इसको वर्तमान में जो है इसको कहें हम प्रासंगिक बनाया है। और जेनिंग्स के अनुसार ब्रिटेन में जन संप्रभुता की भावना को सजग और सफल बनाने का जो श्रेय है वो वास्तव में अभी समय को ही प्राप्त है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको भी उनकी रक्षा करने का दायित्व भी इनके पास है, अभी समयों के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक को अपना मत रखने का और बहुमत के जो अत्याचारी शासन है उससे निजात पाने का जो सारे उसको अधिकार मिलते हैं वो अभी समय से ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट आपने समझा, आपने जाना कि किस प्रकार से जो अभी समय है ब्रिटेन के संविधान में वो अपना महत्व रखते हैं, वो ब्रिटिश संविधान की वास्तव में आधारशिला हैं, उसको कार्यरूप में परिणित करते हैं, और उसके बिना ब्रिटेन का संविधान वास्तव में कार्यरूप में हम कहें कि अपना पूरा जो है कार्यरूप में परिणित नहीं हो सकता। स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से दोनों भाग इसके समझ में आ गए होंगे, और अगले चैप्टर में मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी वो है राजा और राजमुकुट। तब तक आप इसका अध्ययन करिए, और आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से जो कॉलेज का चैनल है उस पर लिखिए।